हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कुछ क्वेश्चन के आंसर करेंगे जो मुझसे कई बार पूछे गए हैं, और कुछ अपने एक्सपीरियंस भी हम शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मुझसे बहुत ज्यादा पूछा गया, बार बार पूछा गया, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं कई बार दे चुकी हूँ, वो ये है कि क्या सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। तो जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर देखिए, अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आपके डॉक्टर आपका चेकअप करके आपको बता सकते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो सकती है या नहीं हो सकती है। दूसरी चीज, मेरे केस में नॉर्मल डिलीवरी इसलिए पॉसिबल हो गई थी क्योंकि मुझे नेचुरल लेबर पेन स्टार्ट हो चुका था। तो जब आपका नेचुरल लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा, नॉर्मल जैसे लेबर पेन स्टार्ट होते हैं बिना किसी आर्टिफिशियल पेन को दिए हुए, अगर आपका नेचुरल तरीके से लेबर पेन स्टार्ट होता है, आप नॉर्मली लेबर में चले जाते हो, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी 100% पॉसिबल है। क्योंकि अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि मेरा घर से ही लेबर पेन स्टार्ट हो चुका था और बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया था, तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई है। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले या कुछ भी अपने मतलब आप कुछ भी सोचने से पहले आपको अपनी डॉक्टर की सलाह और अपनी हेल्थ को जरूर ध्यान में रख लेना है। कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि क्या दो सी सेक्शन हो चुके हैं उसके बाद क्या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। तो देखिए, मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस था और जो मैंने अपने आसपास देखा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो मेरा जो मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे और मेरा लेबर नॉर्मल स्टार्ट हो चुका था, इसलिए मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई सी सेक्शन के बाद भी, और जिसमें कि मेरा 5 साल का गैप भी था। तो ये सारी चीजें भी शायद मेजर होती हैं। तो अगर आपके दो सी सेक्शन पहले हो चुके हैं और आप तीसरी बार आप डिलीवरी आपकी होने वाली है, तो आपकी डॉक्टर जो कहे और जो वो सलाह दे, आप प्लीज उसको मानिए। क्योंकि डिलीवरी किसी भी तरीके से क्यों ना हो, मैटर ये करता है कि आप स्वस्थ रहें और आपका बच्चा स्वस्थ रहे। और पेन दोनों में होता है, तो नॉर्मल डिलीवरी में भी पेन होता है और सी सेक्शन में भी पेन होता है। मुझे दोनों का एक्सपीरियंस है। अगर आप इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं कि दोनों का एक्सपीरियंस मेरा कैसा था, किसमें ज्यादा पेन होता है, किसमें कम पेन होता है, कैसा पेन होता है, तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। इसके बाद जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, मैं बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग के बारे में, मुझे एक क्वेश्चन आया था कि मैं बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग पे वीडियो बनाऊं। देखिए, अद्भुत हो चुकी, बड़ा हो चुका है, 6 साल का होने वाला है तो पॉटी ट्रेन हो चुका है। और सिवास अभी बहुत छोटा है, अभी वो 6 मंथ का है, तो अभी हमने उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं की। जब मैं उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगी, तब मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगी। बाद में अगर इस जगह में बोलने लगूंगी, पूरी डिटेल वीडियो, डिटेल बातें बताने लगूंगी, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पॉटी ट्रेनिंग एक अलग टॉपिक है, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। जब मैं पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगी तो उस टाइम पे मैं बताऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी कि मैं क्या चीजें कर रही हूँ। इसके बाद बच्चे को, मेरा बच्चा जैसे 6 मंथ का हो चुका है, तो सॉलिड्स की बात करें तो जी हाँ, मैंने उसका सॉलिड स्टार्ट कर दिया है। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या मैं उसको सेड़े लग देती हूँ। देखिए, अगर एक आंसर में, एक शब्द में आंसर करूँ तो जी हाँ, मैंने अपने दोनों बच्चों को सेड़े लग दिया था। बट यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूँ कि सेड़े लग घर के बने हुए खाने का विकल्प नहीं हो सकता। घर का बना हुआ खाना खाने का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। सेड़े लग को आप ऑप्शनल तौर पे रखिए, पर पूरक आहार के तौर पर आप उसको नहीं दे सकते हो। आप कहीं बाहर जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपको ये है, आपको बच्चे को कुछ खाने के लिए देना है, कुछ सॉलिड्स देना है, तब आप सेड़े लग अपने साथ रखो। क्योंकि वो बहुत ईजी होता है, उसको बनाना बहुत ईजी है, खिलाना भी बहुत ईजी है और बच्चे आसानी से खा भी लेते हैं। उसका जो स्वाद होता है वो बच्चे को पसंद भी आ जाता है। तो अगर आप बच्चे को लेकर ट्रेवल कर रहे हो और आपको ये टेंशन है कि आप बच्चे को ट्रेवलिंग के टाइम पर क्या खिलाओगे, तो आप बच्चे के लिए सेड़े लग रख सकते हो। ये ट्रेवलिंग के में बहुत ज्यादा फायदा करता है। अगर आप 1 दिन 2 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हो और आपको ये टेंशन है कि आप वहां पे चीजें कैसे मैनेज करोगे, तो आप सेड़े लग रख सकते हो। ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। जैसे फॉर्मूला मिल्क होता है, लेकिन फॉर्मूला मिल्क ब्रेस्ट मिल्क से अच्छा नहीं हो सकता है, उसी तरह सेड़े लग है। आपको डेली नहीं देना है कि आप डेली खिला रहे हो या उसको उसी के ऊपर बच्चे को निर्भर कर देते हो, ऐसा नहीं करना है। आपको घर का भी खाना खिलाना है और सेड़े लग को ऑप्शन के तौर पे रखना है। इसके बाद बात आती है कि घुट्टी। हम लोग बहुत सुनते हैं कि बच्चे को जन्म घुट्टी देनी चाहिए, ग्राई पाउडर देना चाहिए। तो देखिए, मैंने अपने बड़े बेटे को एक टाइम पे, मुझे मेरी मम्मी ने बोला था जन्म घुट्टी देने के लिए, मैंने दिया था। लेकिन जो फायदे उसके गिनवाए जाते हैं कि जन्म घुट्टी देने से बच्चे का डाइजेशन अच्छा रहेगा, बच्चे को गैस नहीं बनेगी, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, बच्चा अगर दूध गिरा रहा है तो दूध नहीं गिराएगा, तो ऐसा इन सब चीजों में कोई रिलीफ नहीं होता है। मेरा बड़ा बेटा अद्विक, जब वो छोटा था, जब उसका जन्म हुआ, तो वो बहुत ही ज्यादा दूध गिराता था, मतलब दूध की उल्टी कर देता था। हम लोग बहुत ज्यादा टेंशन में भी हो गए थे कि क्यों ऐसा कर रहा है। बाद में चीजें समझ में आई है मुझे, इस टॉपिक पे मैंने अलग से वीडियो भी बनाया, आप जाकर देख सकते हो।
तो मुझे भी कई लोगों ने बताया, मेरी मम्मी ने भी बोला कि इसको घुट्टी दो घुट्टी दो। तो डाबर की जो जन्म घुट्टी आती वो मैंने दिया, कुछ दिन दिया, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया ना। उसको बाद में कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कत थी, उसमें भी उससे कोई रिलीफ नहीं हुआ। तो अगर आप ये सोच कर बच्चे को घुट्टी दे रहे हो कि बच्चे का वेट बढ़ेगा, बच्चे का डाइजेशन सही रहेगा, उसको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, तो प्लीज मत दीजिए, उससे कोई फायदा नहीं होता। और डॉक्टर मना भी करते हैं। जब मेरा छोटा बेटा हुआ तो उसको उसकी नाभि भी थोड़ी सी फूली हुई थी, तो हम लोग डॉक्टर को दिखाने गए। मैंने अपने प्रीवियस बहुत ही स्टार्टिंग की वीडियो में चीजें बताई भी हैं। तो डॉक्टर ने हमारे मुझे मना किया, डॉक्टर ने डायरेक्ट बोला कि बच्चे का जो डाइजेशन है वो धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूव हो जाता है। कुछ बच्चे ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं तब भी वो दूध गिराते हैं, या उनको गैस बनती है, दिन में कई कई बार पॉटी करते हैं, या कई बार कई कई दिन तक पॉटी नहीं करते हैं, या फिर जब बच्चे फार्मूला लेते हैं तब भी उनका इस तरह की दिक्कत होती है। तो ये चीजें धीरे धीरे, जैसे बच्चे का जो डाइजेशन है वो अपने आप इम्प्रूव होता है, धीरे धीरे बच्चे का डाइजेशन मजबूत होता है, तो ये सारी चीजें अपने आप कम होती चली जाती है। तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे हम लोगों को डायरेक्टली मना किया था किसी प्रकार का घुट्टी, ग्राइप वाटर, जीरा, हींग, ये सब बच्चे को नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आप बच्चे को दूध पिलाते रहिए, उससे ही बच्चे का डाइजेशन ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी उसका डाइजेशन डे बाय डे इम्प्रूव होगा। तो ये सारी चीजें हमने अपने बच्चे को नहीं दी थी। तो ये वो बातें हो गई। अब बात करते हैं पानी की, कि पानी बच्चे को कब से देना स्टार्ट करते हैं। इसे मैंने सॉल्ट डाला हुआ है, मैं बता देती हूँ। जब आप सॉलिड स्टार्ट करते हो तो ठीक उसी टाइम पे आपको बच्चे के लिए पानी भी स्टार्ट कर देना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने सॉलिड जल्दी स्टार्ट कर दिया और पानी देर में स्टार्ट कर दिया। सॉलिड और पानी एक साथ ही आपको मतलब स्टार्ट कर देना है। तो ये वो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनको मुझसे कई बार मुझसे पूछे गए, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना देना चाहिए, जिससे आप लोग को भी हेल्प होगी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने एक अलग से सारे क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा, अगर आपके मन कोई और क्वेश्चन हो या कोई और क्वेश्चन मुझसे रह गया हो तो मैं उसका भी जवाब आंसर करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं शॉर्ट्स में कोशिश करती हूँ आप लोग के सारे सवालों के जवाब देने की, बट कई बार ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बनाकर या किसी ब्लॉग में आप लोग से शेयर कर दूंगी। थैंक यू।